श्री हरि कथा, हरि तो कृष्ण है आप लोग सुना, श्री कृष्ण राधा कृष्ण, श्री लगाने से तप संपूर्ण होता है। हरि नारायण को भी कहते हैं, श्री हरि लक्ष्मी नारायण, सिर्फ नारायण नहीं लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नहीं, पहले लक्ष्मी नारायण, सीताराम श्री, श्री लगाने से पूर्ण होता है। यहां पर कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्ण, वही श्री कृष्ण उपासना बाक राधा रानी का विस्तार जितना भक्त है और कृष्ण का जितना और रस का भक्त है, सब हमारा आराध्य है, सबको सेवा करना। अभी मेरे लिए बात किया है हमारा मधुसूदन महाराज बोला, लेकिन मेरा बात तो जानता है नहीं, ऐसा बोल दिया। ये लोग जानता है जो वहां पर मुझको देखा, थोड़ा छोटा उम्र में वहां देखा, उनका घर में भी ठहरा था, मुरारी दास का मैं ठहरा था, तो इसलिए है वो लोग जानता है मेरा कैसे हालत है। अभी मैं और एब जानता है, सब जानता है, कैसे जानता है, मेरा सेवा में कोई योग्यता नहीं है। भक्ति का मतलब होता है सेवा, सेव्य की प्रतिविधान करना। जब सेवनमुख होगा इंद्रिय, तो वही सेवनमुख होने से वही जीभा में भगवान की कथा प्रकाशित होता है, सेवनमुख जीभा तो स्वयं स्मृत। अतः श्री कृष्ण नामादीन भवित ग्राह्य इंद्रिय, प्राकृत कान से सुना नहीं जाएगा, प्राकृत जवान से उनका कीर्तन नहीं होगा, जब सेवनमुख होगा तब। अभी मैं देखा सभी मेरा गुरु भाई, मेरा ज्येष्ठ गुरु भ्राता जो है, वो लोग बहुत काबिल है सेवा में, और उनका सेवा में गुरु जी का प्रसन्नता है, वो सेवा करते। तो मैं सेवा करने के लिए जब मौका नहीं है, लिखा पढ़ा में लगा दिया। तो मैं चिंता किया गुरु जी की सेवा बगैर तो जिंदगी फजूल है, सेवा तो करना चाहिए, थोड़ा चेष्टा तो करना चाहिए। मैं अभी तो उसका बाद मदन प्रभु गुरु जी की सेवा करते, अभी भी करते, वो उनका बहुत निष्ठा है। तो मदन प्रभु कहा मैं आज गुरु जी का भोग थोड़ा लगाएंगे, अब लगाएंगे बोला, ठीक है ठीक। घर में जाके मैं जगह साफ करने लगा, साफ किया और आसन दिया, आसन देके गुरु जी बैठेंगे। तो अभी वो थाली ले आया, थाली में सब सज्जित कर दिया, गुरु जी हमारे ऊपर ऐसे निगाह दे रहे हैं, ऐसे देख रहा है। थोड़ा देखने के बाद क्या बोला, लेबर डंग, तुम लेबर डंग हो, तुमसे ऐसा नहीं होगा, जाओ 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 जाओ, हमारा लेखा पढ़ा करने के लिए आदमी चाहिए, जाओ जाओ तुम, कब जाए हमको निकाल दिया, तुम लेबर डंग हो। ये तो बोलता है जब मैं सेवा पढ़ा, मतलब मुझको ऐसे बोल दिया। जब भी कोई सेवा करने को जाते हैं, जिस हाँ महोत्सव में कितना विष्णु सेवा होगा, सब्जी बनाना, ये भी भक्ति है ना, महाप्रभु का पार्षद लोग भी परिवेशन करते थे, रसोई करते थे, कितना कुछ। तो मेरा भी, मैं जब जाता हूँ ठीक है, गुरु जी आने से ये इनका हाथ काटेगा, कहाँ पे ये क्यों यहाँ है, हमारा वहां पर लेखा पढ़ा करने का कोई नहीं है। मैं देखा जब मेरा कोई योग्यता ही है ही नहीं, गुरु जी बोल दिया तुम्हारा योग्यता नहीं है, तो दूसरा काम करो। ऐसे नहीं, जिनका जो जिस प्रकार योग्यता है, अधिकार है,
उनको उसी प्रकार सेवा देते हैं। सक्षत सेवा है, ये भी सेवा है, भोपू सेवा, बाजी सेवा।